जाने मन तू खूब है, ओ मेरा खूब है। और भाई लोग उसके बाद शेयर करोगे वीडियो? हाँ कर दे। चल भाई बेगारी को देखते हुए देखो क्या हाल है हम सब बेगारियों का, रोड पे चल के अपनी मजाक ही उड़ा रहे हैं। साथ में रहता ना अच्छा होता। अरे वो सब साथ में रहता तब तो मज़े आ जाता, लेकिन बात है कि मछली वाला नसीब में है नहीं ना। नसीब में नहीं लड़की। हाँ मैं लड़की लाला तू लड़की तेरा शादी। अरे लड़ा शादी हुआ तो उसको क्या अपने साथ में वीडियो में घुमाओ है? किसको घुमाएं? वीडियो के लिए जो कम्फर्ट है कम्फर्टेबल है। चाहिए एक लड़की ना। हाँ वीडियो के लिए लड़की चाहिए। वीडियो के लिए एक लड़की चाहिए। और लड़की तो भाई देखिए आप कमेंट करो, अगर आपके पास कोई भी लड़की हो तो इस चैनल पे आप कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। और वो भाई को चाहिए लड़की, वीडियो बनाने के लिए लड़की चाहिए। ओके सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बस साथ में, और कुछ नहीं चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आज तुम्हें इस वीडियो पे कोई देख के पसंद कर लिया इसके लिए तुम क्या करोगे? अरे अगर पसंद कर लिया तो पहले लाइक करो, उसके बाद कमेंट करके बताओ क्या पसंद आए क्या नहीं, फिर बताओ क्या है आगे क्या करो कुछ। अगर दूसरा नया कुछ करवाना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। क्या करवाना चाहते हो वो भी बता, क्या करवाना? अरे जैसे तुमसे क्या चाहिएगा करवाने के लिए, कुछ चाहिए करवाने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए का मतलब क्या है? जैसे वीडियो बनाने के लिए चाहिए ना। आप वीडियो किस टेबल का किस लेवल का वीडियो बना जाए, किस लेवल का वीडियो आप लोगों को पसंद लगता है? वीडियो लेवल किस लेवल पे? हाँ जैसे कि ये किस लेवल में वीडियो बनाना चाहते हो कुछ तो हिंट बता, किस लेवल में बनाना चाहते हो? अरे ये तो जैसे ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग, अभी तो ब्लॉग फिलहाल बना रहे हैं, बाकी बात वीडियो बनाने के लिए तो एक जैसे होता है ना एक्टिंग करने के लिए, कॉमेडी मोडी करने के लिए वैसा भी किया जाता है वीडियो, कॉमेडी वीडियो। हाँ तो उस सब में लड़की चाहिए। ये तो ब्लॉग वीडियो में तो लड़की ना भी हो तो चलेगा, इसमें तो हम खुद बना सकते हैं अकेले से, ठीक है? यानी कि फनी वीडियो के लिए या तो कुछ शॉर्ट वीडियो के लिए? शॉर्ट वीडियो के लिए मेन मतलब बात है कि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि कोई बनता है ना अभी अच्छा खासा चल रहा है शॉर्ट वीडियो, और कवर सॉन्ग सबसे मेन बात है कि कवर सॉन्ग बनाया जाता है, कवर सॉन्ग में लड़की होना ही होना चाहिए, बिना लड़की का कवर सॉन्ग होता ही नहीं। कवर सॉन्ग के लिए आगे म्यूजिक चाहिए, सॉन्ग सिंगल चाहिए? वो सब मैंने तैयार कर लिया हूँ, सिंगर भी तैयार है मेरे पास और स्टूडियो भी तैयार है। मेरा स्टूडियो तैयार नहीं है, स्टूडियो तो पहले से तैयार है, बाकी मैं बात कर लिया हूँ उसमें, वो मेरे को मतलब म्यूजिक बना के देगा। और एक सिंगर से भी बात किया हूँ, वो बोला है कि मैं गाना उनको मतलब जब बोलेगा तब मैं दूंगा गाना। सिंगर को तेरे को मालूम सिंगर को चाहिए, और म्यूजिक सिंग को पकड़ना पड़ेगा सिंगर को। फनी वीडियो अपने चैनल में कितना बनाया था? खुद का चैनल है कितने कभी? अरे खुद का चैनल तो है भाई, पर अभी मैंने शुरुआत किया हूँ, अभी पहले से मैं शुरुआत नहीं किया था, पहले बस ऐसे ही दूसरे के चैनल में मैं अपना वीडियो छोड़ा हूँ। मैं अपना चैनल पर चैनल का नाम बता कम से कम। दूसरे का वीडियो जैसे एक इंडिया जीएस टीवी है, और एक और चैनल है इंडिया जीएस टीवी, वो भी तो वो वीडियो इसी में आएगा। हाँ ये जो इंडिया जीएस टीवी इसमें तो आएगा ही अपना वीडियो, और पहले से भी बना चुका है। आगे जो चैनल और आगे एक और चैनल का नाम बताओ, कौन सा चैनल मतलब आगे जो वीडियो हो दूसरा चैनल आगे और वीडियो छोड़ा उस चैनल का नाम है जावेद स्टूडियो है। जावेद? हाँ जावेद स्टूडियो। और फिलहाल अभी हो किधर? अभी हम लोग जहाँ पे हैं हम लोग तो अभी उल्लासनगर में है, मुंबई मतलब मुंबई के एक उल्लासनगर छोटा सा नगर है। उल्लासनगर छोटा सा नगर नहीं है, उल्लासनगर फेमस है। अरे फेमस है पर मुंबई से हट के है ना, मुंबई मेन मुंबई में नहीं है, मेन मुंबई में नहीं है। उल्लासनगर फेमस है मुंबई में, एक जैसे कि महाराष्ट्र कल्याण जैसे हुआ उल्लासनगर। हाँ तो कल मतलब हमारे जैसे कि हम कल्याण के अंदर आते हैं, हम लोग जैसे कि गाँव से आते हैं इधर, हम लोग का तो झारखंड के हैं, तो झारखंड से इधर जैसे आते हैं तो यहाँ पे कल्याण स्टेशन जंक्शन होता है, कल्याण जंक्शन वहाँ पे हम लोग उतर के इधर उल्लासनगर एक बहुत ही फेमस नगर है। और अभी फिलहाल इधर लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, और तो दिखाना चाहूँगा लॉकडाउन का कुछ तस्वीरें। उल्लासनगर कल्याण जो सेक्टर अभी 17 में हूँ, और यहाँ पे सारे दुकानें बंद है अभी का टाइम, जो अभी लगभग 7 बज रहा है। ओके सर। और उस टाइम इधर
बहुत गर्दी रहता था। फिलहाल अभी लॉकडाउन लगा जिसके कारण से अभी सारे दुकान बंद है। और अभी फिलहाल दुकान सारा बंद नहीं हो हुआ है और आदमी पब्लिक भी चल रहा है, पर पब्लिक चलने का है लेकिन वो अभी 8 बजे तक है, 8 बजे के बाद सब बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे तो नाइट कर्फ्यू लगा था इधर और अभी फिलहाल लॉकडाउन पूरा लॉकडाउन कर चुका है, पूरा दुकान बंद, सिर्फ राशन दुकान और सब्जी का दुकान चालू है और एक मेडिकल भी है भाई, मेडिकल तो खुला ही रहेगा, वो कंपलसरी है, कंपलसरी है, मेडिकल अगर खुला नहीं रहा तो फिर कुछ भी खुला नहीं रहेगा। अभी जो सेक्टर है 17 है और सिद्धार्थ नगर सेक्टर 17 पे हो, जहाँ की अभी का टाइम जो है 7 बज रहा है अभी मुंबई में, मुंबई में नहीं है पूरा इंडिया में भी 7 बज रहा है अभी, अभी अंधेरा नहीं है इसीलिए। हाँ तो अंधेरा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि टाइम भी चेंज हो गया है, टाइमिंग मुंबई में हूँ वो बोला, वो इस जगह में अभी एम्बुलेंस गए, एम्बुलेंस वो दिखेगा पीछे से आएगा। चलो अभी दिखाता है एम्बुलेंस की रफ्तार आ रही है रोड पे, दिखाता हूँ अभी एक मिनट में दिखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जा रही है एम्बुलेंस, ये लॉकडाउन की प्रभाव ही है, कोई पेशेंट ही लेके जा रहे होंगे। इस जगह बहुत सारे दुकानें, बहुत इधर दुकान बार डांस बार दुकान रेस्टोरेंट सब बंद है, अभी कोई ऑफिस खुला नहीं, सिर्फ सब्जी का दुकान खुला है और राशन का और मेडिकल। ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, इधर 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 आदमी खड़ा है, देख सकते हैं ऊपर से बालकनी से सब आदमी नीचे देख रहे हैं रोड पे कि आदमी कैसे चल रहे हैं मास्क लगा के। फिलहाल हम तो मास्क नीचे कर लिए हूँ बात करने के लिए, नहीं तो मेरे को भी मास्क लगाने, मैं भी लगाता हूँ जैसा कि नहीं लगाता हूँ। जिस जगह पे अभी हूँ उस जगह पे अगर आप चालू जिस समय लॉकडाउन नहीं था उस समय अगर यहाँ पे यहाँ का वीडियो अगर देखते हैं तो बहुत पसंद आता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोबाइल दुकान है जो सेकेंड हैंड भी मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे जगह पे, अच्छे सस्ते दाम में हमें और अच्छे क्वालिटी पे। और अभी तो लॉकडाउन है, कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी दुकान खुला ही नहीं, सिर्फ मेडिकल और राशन दुकान और राशन दुकान और छोटे मोटे मतलब कि खाने का वाला पाव, वाला पाव का भी नहीं, मिठाई का दुकान बंद है, नहीं नहीं खोला है वो, इसका टाइमिंग नहीं, इसका बंद है, तब भी वो बंद ही हो जाएगा सर। तो फिलहाल मैं अभी अपने रूम से बहुत दूर आ चुका हूँ पैदल, तो बस तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 17 नंबर के मेन घर पे, आपको बहुत अच्छा पीछे करना चाहूँगा पीछे करो। कुछ बातें हो रहा मार्केट, अरे मेन मार्केट बंद है यार, मार्केट तो आपकी बीच में वो छोटी सी हाईवे है सेक्टर 17 में, वो रोड आगे जिधर मैं जा रहा हूँ आगे वो सीधा कल्याण जाती है। हाँ वो दुकान मिली तो चलो भाई बस ऐसे ही है ये मार्केट का माहौल, ये माहौल मतलब अभी लॉकडाउन में इतना मार्केट ख़राब हो गया है क्या बताएं कि एक भी दुकान खुला नहीं है जो हम कुछ सामान भी ले सकते हैं। अभी सिर्फ ऑटो वाला चालू है, ऑटो का जो काम करता है ऑटो में, ऑटो चलाने वाला बस ऑटो गाड़ी का वही चालू, बाकी पूरा दुकानें बंद है। अभी हम अचानक अगर कोई सामान लेना चाहें तो कुछ मुश्किल पड़ सकता है, मुश्किल क्या नाम मतलब मुश्किल ही पूरा मुश्किल पड़ेगा, नामुमकिन तो नहीं होगा क्योंकि अगर चाहे तो कुछ भी मिल सकता है दुनिया में, पर मुश्किल बहुत खड़ा होगा, कुछ लेना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे ही देखो इस साइड में
आप देख सकते हो एक भी दुकान चालू नहीं है अभी, और शायद कोई सिनेमा हॉल है क्या? बोल सर, हाँ ये सिनेमा हॉल ही है जिसमें पिक्चर लगा है। नहीं सिनेमा हॉल नहीं है रे, कैमरा पिक्चर के लिए।